आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं यमराज और नचिकेता के बीच में हुए उस प्रसिद्ध संवाद की पूरी और विस्तृत कहानी। वैसे तो यह संवाद कठोपनिषद में मुख्य रूप से वर्णित मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी तैतरीय ब्राह्मण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस कथा का वर्णन मिलता है। हालांकि अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी पाठ भिन्नता है, लेकिन इस पाठ भिन्नता के बावजूद भी मूल रूप में कथा एक ही जैसी चलती है और इसलिए इस कथा के विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि नचिकेता के पिता बाजीश्रवा, जिन्हें कि कठोपनिषद में अरुण के पुत्र उद्दालक के नाम से भी संबोधित किया गया है, वे विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहे थे। विश्वजीत यज्ञ की खासियत यह होती थी कि उसमें साधक को अपना संपूर्ण धन दान में देना होता था। जब बाजीश्रवा अपने यजमानों को गौ में दान कर रहे थे, तो उसी समय नचिकेता वहां पर आ गए और नचिकेता ने जिन गौओं को देखा वे कैसी थीं, यह कठोपनिषद के एक श्लोक में वर्णित मिलता है। नचिकेता ने जिन गौओं को देखा था वे अपने जीवन भर का पानी पी चुकी थीं, वे घास खाने में सर्वथा असमर्थ थीं और उनका संपूर्ण दुग्ध निचोड़ लिया गया था। ऐसी वृद्ध और अशक्त गायों को देखकर नचिकेता के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। नचिकेता की आयु बड़ी छोटी थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी आयु 10 वर्ष से भी कम थी, क्योंकि कठोपनिषद में ऐसा वर्णन आता है कि नचिकेता जिस आयु में पिता के समक्ष खड़े हुए थे उस आयु में अभी उनके अंदर वीर्य बनना प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी कि उनकी आयु 10 वर्ष से भी कम रही होगी। नचिकेता ने जब अपने पिता को इस प्रकार के गौओं को दान करते हुए देखा तो उनके मन में क्षोभ हुआ और उन्होंने अपने पिता को ऐसा करने से रोका। नचिकेता ने कहा कि इस प्रकार मोह के वश में आकर दान देने से व्यक्ति को आनंद लोक तो कभी मिल ही नहीं सकता और वह अधम लोक को प्राप्त होता है। बाजीश्रवा ने अपने बेटे को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नचिकेता मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने जिस विश्वजीत यज्ञ का संधान किया है उस यज्ञ में अपना सर्वस्व धन दान में देना होता है और आपका सबसे बड़ा धन तो मैं ही हूं, आप मुझे किसे दान में देना चाहते हैं। बाजीश्रवा नचिकेता को बार बार समझाते रहे, उन्हें इस प्रकार न बोलने के लिए कहते रहे, लेकिन नचिकेता भी अपने हठ पर अड़े रहे और अंत में कहते हैं कि बाजीश्रवा ने क्रोधित होकर अपने बेटे को कहा कि जाओ, मैं तुझे सूर्य पुत्र यमराज को दान में देता हूं और तुम उन्हीं के पास चले जाओ। अब यहां पर थोड़ी देर ठहरते हैं और विचार करते हैं। बाजीश्रवा, जिन्हें कि उद्दालक भी कहा गया है, वे कम विद्वान तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उद्दालक ऋषि का वर्णन बार बार आता है और उद्दालक ऋषि एक पहुंचे हुए महात्मा थे। जैसे राजा जनक एक पदवी है एक ऐसे राजा की जो विदेह हो, जो अपने राज्य में आसक्त न रहता हो और जिसे आत्मज्ञान मिल चुका हो, वह राजा जनक कहा जाता था। उसी तरह हो सकता है कि उद्दालक भी एक पदवी हो जो ज्ञानी महर्षियों और मुनियों को या राजाओं को मिलती हो। अगर इस हिसाब से भी देखें तो बाजीश्रवा ज्ञानी होने चाहिए और एक ज्ञानी के अंदर इस प्रकार का मोह कि वह बूढ़ी गौ में दान करे, यह आश्चर्यचकित करता है। दूसरी बात कि अगर बाजीश्रवा एक राजा भी थे और वे विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहे थे जिसमें कि उन्हें संपूर्ण धन दान में देना ही था, तो इन सब जानकारियों के बावजूद क्यों एक राजा मोह में आकर के एक ऐसा दान देगा जिससे उसका फल ही नष्ट हो जाए। वह यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए कर रहे थे, न कि फल को नष्ट करने के लिए। और तीसरी बात कि यज्ञ में जो ब्राह्मण आते थे वे बड़े तेजोमय होते थे, वे ऐसा नहीं था कि दान के लिए कुछ भी स्वीकार कर लें, तो अगर उन्हें उस तरह के गौओं को दान दिया जा रहा था तो उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखें और विश्वजीत यज्ञ की महिमा को ध्यान में रखें तो इसे यह पता चलता है कि बाजीश्रवा ने नचिकेता के उस रोक टोक से पहले ही अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया था और उनके पास मात्र वही गौवें बची थीं जो वे दान में दे रहे थे और इसलिए ब्राह्मणों ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। लेकिन नचिकेता की बुद्धि इतनी उत्कृष्ट नहीं हुई थी कि वे इस बात को समझ सकें, लेकिन उनके अंदर दान और धर्म की महिमा बनी हुई थी
और इसलिए वे पिता को बारंबार टोकते रहे और बाल हट करते रहे। ऐसे में एक समझदार पिता क्या करेगा? जब उसे लगेगा कि मैं अपने पुत्र को समझाने में असमर्थ हूँ, तो वह एक समर्थ गुरु की खोज करेगा। और बाजीश्वा को यमराज से अच्छा कोई गुरु मिल नहीं सकता था, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मरने के लिए नहीं कहा। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जा, मैं तुझे सूर्यपुत्र यमराज को दान करता हूँ, तू उनके पास चला जा। यानी कि उनके पास जाकर तुम अपने ज्ञान को अर्जित करो। छिपा हुआ उद्देश्य बाजीश्वा का यही था। जब नचिकेता को अपने पिता से यह आज्ञा मिली कि जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ, तो नचिकेता बड़े ही खिन्न हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैंने हमेशा ही उत्तम कार्य किया है, या कभी बहुत गलती से मध्यम कार्य किया है। मैंने अपने जीवन में अधम कार्य तो कभी किया ही नहीं। मैंने अपने पिता को सदा प्रसन्न रखा और उनकी हर बात को माना। फिर आखिर किस प्रयोजन से पिता ने मुझे यमराज को दान दिया? लेकिन फिर भी नचिकेता वैदिक धर्मों में आसक्ति रखते थे, और इसलिए उनके सामने पिता की आज्ञा को मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने पिता से ही कहा कि हे पिता, आपने मुझे यमराज को दान दिया है, तो आप मुझे यमराज के पास पहुंचा दीजिए। अब यहीं पर विभिन्न पाठों में अलग अलग पाठ भिन्नता मिलती है। जैसे तैतरीय ब्राह्मण में एक गुप्त आकाशवाणी होती है जो सिर्फ नचिकेता को सुनाई देती है। उस आकाशवाणी के अनुसार नचिकेता से आवाज कहती है कि नचिकेता, तू अभी यमराज के यहाँ चला जा, और यमराज कहीं बाहर गया हुआ है तो उसके दरवाजे पर 3 दिन तक रुक। 3 दिन तक ठहरने पर तुझे न कुछ खाना होगा न कुछ पीना होगा, और जब यमराज वापस आए तो उससे कहना कि मैंने इन 3 दिनों में अन्न का भोग नहीं किया है, बल्कि पहले दिन तेरे पुत्रों को खा गया, दूसरे दिन तेरे पशुओं को खा गया, और तीसरे दिन तेरी सुकृति को खा गया। अगर तू मेरी क्षुधा की पूर्ति नहीं करेगा तो ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। और तब जब यमराज इस बात को सुनकर डर जाएगा, तुम यमराज से 3 वरदान मांग लेना। वहीं महाभारत की कथा ऐसी है कि नचिकेता उसके बाद मूर्छित हो गए, और उसी मूर्छा में उन्हें यमराज के दर्शन हुए और यमराज से संवाद हुआ। लेकिन हमारी कहानी कठोपनिषद की मूल कहानी है। इसके अनुसार नचिकेता चलते हुए यमराज के दरवाजे तक गए। यहाँ पर हमारे पुराणों में सिर्फ 2 ही ऐसे मनुष्य हुए हैं जो यमराज के सामने गए हैं और अपने हठ से यमराज को पराजित किए हैं। एक हैं माँ सावित्री, जिनके पति सत्यवान को जब यमराज अपने पास में बांधकर अपने लोक ले जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे माता भी चली जा रही थी, और उनके हठ के आगे यमराज को झुकना पड़ा था और सत्यवान को लंबी आयु देकर धरती पर भेजना पड़ा था। और दूसरे हैं नचिकेता, जो एक 10 वर्ष से भी कम के बालक हैं, जिनके हठ के आगे यमराज को झुकना पड़ा था और यमराज ने उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई थी। तो नचिकेता चलते हुए यमराज के दरवाजे तक पहुंचे, और यमराज के दरवाजे पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहे, क्योंकि यमराज के द्वारपाल ने बताया कि अभी यमराज बाहर गए हुए हैं और वे 3 दिनों तक वापस नहीं आने वाले हैं। उस छोटे से बालक ने 3 दिनों तक यमपुरी के दरवाजे पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा की। कहते हैं कि जब यमराज वापस आए तो उन्होंने उस बालक को देखा, और उस बालक की जरा जीर्ण काया को देखकर उन्हें बड़ा विक्षोभ हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि अतिथि का सत्कार करना सर्वोत्तम धर्म होता है, और तुमने 3 दिनों तक इस बालक को कुछ भी पूछा भी नहीं, इसे खिलाया पिलाया नहीं। इस पर मंत्रियों ने कहा कि यह बालक बड़ा हठी है, यह कहता है कि जब तक यमराज मुझसे मिलेंगे नहीं, मैं न अन्न ग्रहण करूंगा न जल ग्रहण करूंगा। तब यमराज ने उस बालक को अपने दरबार में बुलाया और उसका आतिथ्य सत्कार किया, और उसके बाद कहा कि तुम्हारे 3 दिन मेरे यहाँ भूखे प्यासे व्यतीत हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे 3 वर मांगने के लिए कहता हूँ। तब नचिकेता ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं जब घर वापस पहुँचूँ तो मेरे पिता बाजीश्वा मुझे पहचान ले और मुझे प्रसन्न होकर स्वीकार करें। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब तुम अपने घर जाओगे तो अरुण के पुत्र उद्दालक या बाजीश्वा तुम्हें पहचान भी लेंगे और तुम्हें अपने पुत्र रूप में स्नेहपूर्वक स्वीकार भी करेंगे। तब नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा
कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग के देवी देवता अजर एवं अमर कैसे रहते हैं और निर्भय होकर कैसे विचरते हैं। तब इसके उत्तर में यमराज ने नचिकेता को अग्नि का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि अग्नि ही वह मूल कारण है जिससे स्वर्ग के देवी देवताओं को अपना भोग मिलता है और उसके तत्व और उसके अर्थ को जानने के कारण ही वे अजर अमर होकर निर्विघ्न विचरते रहते हैं। साथ ही यमराज ने नचिकेता के इस प्रश्न से प्रसन्न होकर चौथे वरदान के रूप में उन्होंने इस अग्नि को नचिकेता के नाम से ही व्याख्यायित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अग्नि अब नचिकेता अग्नि या त्राचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो आखिर यमराज ने नचिकेता अग्नि की व्याख्या क्या दी थी, आइए संक्षेप में उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में चार आश्रमों के बारे में जिक्र किया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम आप ब्रह्मचर्य के बाद भी धारण कर सकते हैं, बचपन में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए इन चारों आश्रमों का पालन करना अनिवार्य है। कुछ विरले मनुष्य ही होते हैं जो सन्यासी बनते हैं और वे गृहस्थ और वानप्रस्थ का पालन नहीं करते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं वे इन चारों आश्रमों का पालन करते हैं। चारों आश्रम इस प्रकार से हैं कि जब आप युवावस्था में होते हैं, आपका विवाह नहीं हुआ रहता है या सामान्यतः 25 वर्ष की आयु तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं। 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने के उपरांत व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपने पूरे जीवन को गृहस्थ आश्रम के रूप में बिताने लगता है। फिर जब उसे पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाती है और उसकी उम्र 45 या 50 के लगभग की होती है तो वह अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ लेता है, यानी कि अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति को छोड़ने का पहला कदम। जब आप सिर्फ अपनी पत्नी को अपना मानकर उसके साथ वन में चले जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में समय बिताने के बाद दो प्रकार की स्थितियां आती हैं। या तो पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर स्वाभाविक रूप से दूसरा संन्यास आश्रम का ग्रहण करता है, या बहुत समय बीतने पर जब आपसे रिश्ते की अहमियत को समझ जाने के बाद मनुष्य ईश्वर की भक्ति ही करना चाहे तो वह स्वेच्छापूर्वक अलग अलग होकर संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो सकता है। इन चारों आश्रमों में प्रवेश के समय तीन संधियां होती हैं जिन्हें यमराज ने तीन प्रकार की अग्नि या तीन प्रकार के कर्म कहे। जब व्यक्ति ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो इन दोनों आश्रमों के बीच की संधि से गुजरता है। ठीक उसी तरह गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करते समय और वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करते समय एक एक संधि से गुजरना होता है। इन तीनों संधियों से गुजरना ही तीन प्रकार के कर्म करना है। जो इन तीनों संधियों से नहीं गुजरता वह किसी न किसी आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि में से गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही संधि से या दो वस्तुओं के मेल से होती है। एक संधि के बाद एक एक नचिकेता अग्नि प्रकट होती जाती है जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। तीनों संधियों से गुजरकर त्रिनचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन तीनों से गुजरने को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान जाता है और उसके विषय में निश्चय कर लेता है वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। ब्रह्म का अर्थ है महान होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना। जीवन को संकुचित करने का नाम ब्रह्म यज्ञ नहीं है। चारों आश्रमों से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म यज्ञ है। उसी से व्यक्ति महान होता है क्योंकि वह तीन अग्नियों में तपता है। अपने तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है, क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है। नचिकेता ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवन रहता है, तो आखिर इसका वास्तविक रहस्य क्या है, क्योंकि आप यमराज हैं और आपसे उपयुक्त व्यक्ति इस बात को बताने के लिए मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे इस ज्ञान का उपदेश तीसरे वरदान के रूप में कीजिए। तब यमराज ने नचिकेता से कहा कि नचिकेता,
यह प्रश्न देवताओं के लिए भी अत्यंत गूढ़ है। देवताओं को भी अक्सर इस विषय में संदेह हो जाता है। इस प्रश्न को तुम मत पूछो। तुम चाहो तो मैं धरती पर तुम्हें संपूर्ण प्रकार की संपदा दे सकता हूँ। तुम्हें बहुत सारी स्त्रियां दे सकता हूँ, बहुत सारे स्वर्ण दे सकता हूँ, पूरी पृथ्वी का राज्य दे सकता हूँ। लेकिन नचिकेता ने कहा कि हे प्रभु, हे यमराज, आपके दर्शन के उपरांत भी यदि मैं इन भौतिक वस्तुओं की लालसा करता हूँ तो मुझसे गया गुजरा मनुष्य और कौन होगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब यमराज ने उसे और भी ललचाते हुए कहा कि मैं तुझे स्वर्ग प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें अमोघ लोक देता हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद वह सब दे सकता हूँ जो एक सिद्ध पुरुष को मिलता है, लेकिन तुम मुझसे यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने फिर कहा कि योग्य गुरु को सामने पाकर भी जब साधक उनसे योग्य प्रश्न नहीं पूछता है तो फिर उसके बाद उस साधक के जीवन में या जीवन के बाद भी किसी भी चीज का अर्थ या महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हे यमराज, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर ही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जब यमराज ने अपनी सभी कसौटियों पर नचिकेता को कस लिया और देखा कि मेरा यह शिष्य सभी कसौटियों पर खरा उतरा है, तो उन्होंने नचिकेता को जन्म, मृत्यु और आत्मा से संबंधित प्रश्नों का सही सही रहस्य और गूढ़ उत्तर दिया, जिसका वर्णन कठोपनिषद में विस्तार के साथ मिलता है और यहाँ पर हम संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। यमराज ने बताया कि जीवात्मा के विकास की चार अवस्थाएं हैं। जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है और अतिथि है। जब जीवात्मा उत्तरोत्तर विकास करता जाता है तब ये अवस्थाएं प्राप्त होती जाती हैं। जीवात्मा जब हंस की तरह जीवन व्यतीत करता है, जैसे हंस पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता है, उसी प्रकार से जीवात्मा संसार में रहकर संसार में लिप्त नहीं होती है, तो यह उसकी पहली विकसित अवस्था होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है वसु की अवस्था। यह वो अवस्था है जब मनुष्य वसु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात स्वयं भी बसता है तथा दूसरों को भी बसाता है, दूसरों की हर संभव मदद करता है। वह मानो नर देह से उत्तम शरीर में वास कर रहा है। इसे वर देह भी कहते हैं। यह गृहस्थ की अवस्था है। तीसरी विकसित अवस्था होता की आती है। होता यज्ञ में हवन अर्पित करने वाले को कहा जाता है। जिस प्रकार से हवन करते समय सामग्री को हवन में अर्पित किया जाता है, इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर दे तो उस अवस्था को होता की अवस्था कहते हैं। जब उसका अपना कुछ नहीं है, अपना सर्वस्व दूसरों के उपकार के लिए समर्पित करने लगे, वह प्रत्येक वस्तु को अपना न समझकर परमात्मा की समझने लगे और त्याग भावना अपनाकर जीवन जीने लगे, तो वह होता की अवस्था कहलाती है। यह रित देह अवस्था भी कहलाती है। रित अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि संसार के विषय रित नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही रित है। निरपेक्ष सत्य वही परमात्मा है। इस अवस्था को वानप्रस्थ की अवस्था भी कहते हैं। इससे और अधिक विकसित चौथी अवस्था अतिथि है। जब मनुष्य इस देह के वास को अतिथि की तरह समझने लग जाता है, अब मनुष्य अपने ज्ञान रूपी धन से समाज का घूम घूम कर उपकार करता है, कहीं भी अस्थायी रूप से नहीं रहता और पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है। वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। इसे व्योम देह भी कहते हैं या आकाश देह भी कहते हैं। वास्तव में यह अवस्था संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार से जो जो अपनी आत्मा को रथी और देह को रथ समझकर तथा जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह ज्ञानात्मा से महान आत्मा और फिर महान आत्मा से शांत आत्मा हो जाता है। यानी कि वह ज्ञान से होते हुए शांति की तरफ प्रवृत्त होता है। उसी में तीनों नचिकेत अग्नियां भी प्रदीप्त होती हैं और वहीं ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझता है। अब आइए देखते हैं कि यमराज से नचिकेता ने और कौन कौन से प्रश्न किए और यमराज ने उनके क्या क्या उत्तर प्रदान किए। नचिकेता ने पूछा कि किस तरह शरीर से ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन हो सकता है। इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य शरीर दो आंख, दो कान, दो नाक के छिद्र, एक मुंह, ब्रह्मरंध्र,
नाभि गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता ने पूछा कि क्या आत्मा मरती या मारती है? इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मरती है न किसी को मार सकती है। फिर नचिकेता ने पूछा कि कैसे हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है? तब यमराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास करने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है? इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य और जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है। इसका न कोई कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न यह मरती है। नचिकेता ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। फिर नचिकेता ने प्रश्न किया कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इस तरह सभी मनुष्यों श्रेष्ठ देवताओं पितरों आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे अंकुर अनाज औषधि हो या पर्वतों में नदी झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं और सर्वव्यापी हैं। वह कण कण में विद्यमान है। नचिकेता ने प्रश्न किया कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? इस पर यमराज ने उत्तर दिया कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में और कुछ भी बाकी नहीं रहता जो नजर आता है, लेकिन कण कण सर्वव्यापी परमात्मा उस मृत शरीर में भी रहता है, क्योंकि वह हर जगह हर कण में हर वस्तु में उपस्थित होता है। फिर नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? इस पर यमराज ने कहा कि अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र गुरु संगति शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे पहाड़ तिनके आदि। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आत्मा तो इन सब चीजों से निर्मुक्त होती है। वास्तव में आत्मा के साथ जुड़ी हुई चेतना ही इन रूपों को प्राप्त करती है और अपने किए गए कर्मों का फल भोगती है। नचिकेता ने अंतिम प्रश्न किया कि आत्मज्ञान क्या है और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? इस पर यमदेव ने नचिकेता को ओम के प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आशयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद
कई तरह के छंदों व मंत्रों में भी यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। और इसी ओम की ध्वनि को जब ब्लैक होल से आते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने सुना तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि यह ध्वनि आखिर पूरे ब्रह्मांड में कैसे विचरती है। तो यह ओम की ध्वनि ही परमात्मा की ध्वनि है तो वह सारे ब्रह्मांड में क्यों नहीं विचरेगी। तो यह थी यमराज और नचिकेता के बीच में हुए संवाद की संक्षिप्त रूपरेखा और व्याख्या। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।